हेलो फ्री फायर लवर्स, वेलकम टू द आदित्य नेशनल, वेलकम टू अनदर स्पेशल वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, कल ही यहाँ पर होली गया है, तो आप लोगों को होली कैसा बीता मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा तो उतना अच्छा नहीं बीता, क्योंकि दोस्तों सोमवार जो कि हमारा यहाँ पर बंगाल में होली होता है, मैं होली खेलता हूँ, मैं बहुत ही पसंद करता हूँ ऐसा इवेंट, लेकिन मुझको अभी जो नया नया मेरा काम लगा हुआ है तो उसमें मेरे को जाना पड़ा, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाया। तो लेकिन होली का जो दिन था वो मैं थोड़ा सा इंजॉय कर लिया हूँ, तो इसके लिए वो मिट गया है। तो आप लोग कैसे इंजॉय किया वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे जानने में दिलचस्पी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बढ़ जाते हैं जो न्यू अपडेट है उसके ऊपर। तो न्यू यहाँ पर बहुत सारे अपडेट है, एंड मैं एक एक करके आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए कम बको भट लेट्स द वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो जो मेरे चैनल पे नया तो जरूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, एंड वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर 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 लाइक करना, एंड अपने दोस्तों को ऐसा वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स देने वाला हूँ, बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर अपडेट देने वाला हूँ। जो कि अभी आप लोगों को एक इवेंट तो हमारे सर्वर पे दिखाया रहा है जो कि पोलिंग के ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को वीडियो का लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बहुत सारा सर्वर पे इससे भी बहुत ही धमाकेदार इवेंट्स दिया गया है जो कि पोलिंग के रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग उसको बाद में देखेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते जो कि है एक न्यू इवेंट जो कि आ रहा है। शायद मुझको जो लगता है इसका जो लैंग्वेज है वियतनामी लैंग्वेज है, वो है यूनिकॉर्न एके का गन स्किन, जो कि ऑलरेडी इंक्यूबेटर पे आ चुका था पहले भी। तो इसी दौरान मतलब इंडोनेशिया एंड वियतनाम में शायद यहाँ पर जो मास्टर प्रो लीग चल रहा है, आप लोगों को मालूम है जैसे कि हमारे सर्वर पे चल रहा है इंडियन चैंपियनशिप, तो ऐसे ही उसका जो उन लोगों का जो सर्वर है उसमें चल रहा है मास्टर प्रो लीग। तो उसमें क्या है, उसी लीग के दौरान यहाँ पर जो 11th मार्च 12th मार्च एंड 13th मार्च मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के लिए यहाँ पर इंक्यूबेटर चेंज कर दिया गया है, एंड उन लोगों के इंक्यूबेटर में आ गया है यूनिकॉर्न AK-47 का स्किन। मतलब जो जो लोग उन सर्वर में बिलोंग करते हैं तो उन लोगों का अगर इंटरेस्ट रहेगा, जो कि न्यू प्लेयर है उन लोगों के पास शायद नहीं है, शायद हमारे सर्वर पर भी नहीं है, लेकिन नहीं दोस्तों अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ है हमारे सर्वर। आप लोग जानते भी है कि पहले भी मैं बता दिया था आप लोगों को कि डिनो जो बंडिल है वो बहुत ही स्पेशल बंडिल है, एंड वो जो बंडिल है वो इंडोनेशियन सर्वर एंड ब्राज़ील सर्वर पे बाद में भी दिया गया था, लेकिन हमारे सर्वर पे नहीं आया था। तो इसलिए ये जो यूनिकॉर्न AK-47 का जो स्किन है ये भी बाहर का सर्वर में ही आया है, हमारे सर्वर पे नहीं आने वाला है। फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को कि बाहर के सर्वर में बहुत सारा एडवांटेज दिया जाता है जो कि इंडियन सर्वर पे नहीं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फ्री फायर को दिल से पसंद करके खेलना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे गरीना वाले थोड़ा हम पे भी, हम लोगों के ऊपर भी थोड़ा फोकस देगा कि नहीं इस सर्वर पे भी कुछ डेवलपमेंट किया जाए। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और भी होना बाकी है, ठीक है। तो वो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों और जो हमारा सेकेंड अपडेट है उसके ऊपर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक वीडियो फुटेज देख सकते हो जिसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारा गन स्किन देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहले मैं सेंथिया मेंडेज को दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जो कि ये वीडियो लॉन्च किया हम लोगों के सामने, मतलब लीक्स ले आए। तो आप लोग यहाँ पर एक एक करके देख सकते हो, सभी गन का स्किन यहाँ पर दिखाया गया है। पहले आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जो कि M60 का स्किन है, तो इसका क्या एबिलिटी है अभी तक नहीं मालूम चला है, लेकिन ये जो स्किन है कुछ डेजर्ट टाइप का दिखने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड ये जो होने वाला है मुझे जो लगता है लेजेंडरी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एनिमेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मुझे जो लगता है थीम बॉक्स में आने वाला है, तो देखते ही यहाँ पर वेट करके कि थीम बॉक्स कौन सा थीम बॉक्स में देगा एंड क्या इसका एबिलिटी होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हो जो हमारा नेक्स्ट गन स्किन होगा उसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कि नेक्स्ट जो गन स्किन है वो है ओम का स्किन, एंड ये जो स्किन है मुझे बहुत ही धासू टाइप का लगा है, लेकिन इसका भी जो एबिलिटी है वो भी अभी तक नहीं पता चला है। तो देखते हैं आने वाले गेम के अंदर जब लॉन्च करेगा इसका जो एबिलिटी है वो हम लोगों को पता चल जाएगा। अभी तक आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक जो ओम का स्किन है, जो ओम्स का स्किन है उसमें से मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ जो कि ट्रैप इवेंट में आया था,
उस सॉन्ग स्किन के बाद ये स्किन मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे जानने में दिलचस्पी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्किन के ऊपर। तो नेक्स्ट जो स्किन है वो है यूएमपी का स्किन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये जो स्किन है ये होने वाला है नॉर्मल सा स्किन, एंड इसका जो एबिलिटी है वो भी नीचे लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों बाहर सर्वर का लैंग्वेज है इसलिए मैं डिकोड नहीं कर पाया। तो बाद में अगर डिकोड कर पाया या फिर कोई भी लिंक्स मिला तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये भी एनिमेशन नहीं है, तो ये भी थीम बॉक्स में ही आने वाला है। एंड मुझे जो लगता है ये N94 का जो अभी जो स्किन चल रहा है ओपन रॉयल में, सॉरी ओपन रॉयल में जो N94 का जो स्किन था उसी का थीम बॉक्स में यहाँ पर आने वाला है। तो देखते हैं आने वाले गेम के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये भी देख सकते हो M1014 का स्किन, जो कि ऑलरेडी गेम के अंदर मतलब हमारे ओपन रॉयल में आ रहा है, मतलब आ चुका है, ठीक है। तो इसको लेकर डिटेल्स में कुछ बताना नहीं है क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी गेम के अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कि है नेक्स्ट कान का स्किन वो है स्पेस्ट्रियल का स्किन, एंड ये इसका भी जो एबिलिटी है वो भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इसका जो एबिलिटी है मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। एंड ये जो गन स्किन होने वाला है ये भी थीम बॉक्स ही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जूम करके मतलब जूम इन करके जो दिखा रहा है स्किन का पूरा ट्रेलर, तो वहाँ पर आप लोगों को कोई भी एनिमेशन नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब है ये लेजेंडरी स्किन नहीं होने वाला है, ये होने वाला है नॉर्मल सा थीम बॉक्स, ठीक है। तो अभी जो मुझे जो लगता है कि ये जो M1014 का जो थीम बॉक्स होने वाला है, मतलब जब ये स्टोर पे अवेलेबल होंगे तो उसका ही थीम बॉक्स में ये स्पेस्ट्रियल का स्किन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आ जाता है काटाना का स्किन, जो कि मुझे लगता है पर्सनली बहुत ही धासू सा है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा ये जब गेम के अंदर आएगा तो अगर मुझे जो लगता है ये टॉपअप में आ सकता है या फिर किसी भी एलिट पर्सेस का प्री ऑर्डर में आ सकता है। मुझे जो पर्सनली जो लगता है मतलब चांसेस ज़्यादा है कि टॉपअप में आ जाए, शायद जो टॉपअप में आएगा 1000 डायमंड ही होगा या फिर 500 डायमंड होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये किस चीज़ में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग बढ़ जाते हैं जो कि एक लेजेंडरी स्किन के ऊपर, वो है P90। तो P90 का ऑलरेडी एक लेजेंडरी स्किन अवेलेबल है, तो P90 का यूजेज भी बहुत ही अच्छा सा होता है गेम के अंदर, तो इसलिए शायद गाइना वाले सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम में P90 का स्किन यहाँ पर गेम के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। तो आप लोग यहाँ पर स्किन के ऊपर देख सकते हो एंड ये लेजेंडरी होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसके अंदर एनिमेशन है, ठीक है। एंड इसका जो एबिलिटी है वो भी आप लोग देख सकते हो, उसमें एक चीज़ डबल प्लस हो रहा है एंड एक चीज़ सिंगल प्लस हो रहा है एंड एक चीज़ माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये लेजेंडरी स्किन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और एक जो खास चीज़ वो है न्यू ग्लूअल का स्किन। तो ग्लूअल का स्किन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, मतलब पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, जो कि बाकी सब जो ग्लूअल का स्किन है वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, मतलब जो तो टिकाव है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन ये जो ग्लूअल का स्किन है बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, मतलब आर्मी टाइप का कुछ ग्लूअल का स्किन है, तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, एंड आप लोगों को क्या लगता है ये जो स्किन है ये किस में आने वाला है, किस इवेंट में आने वाला है, टॉपअप इवेंट या फिर प्री ऑर्डर में रेड पास का, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर और एक जो ग्लूअल का स्किन है वो भी आप लोग देख सकते हो, जो कि है आग वाला ग्लूअल का स्किन। इसका भी मैं पहले भी लुक आप लोगों को दिखा दिया था फर्स्ट लुक, तो फिर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो कि जूम इन करके, तो इस वीडियो के अंदर। तो ये भी स्किन आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। इसमें से सबसे अच्छा गन स्किन आप लोगों को क्या लगा वो भी मुझको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बढ़ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है पोरिंग के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं 2 अपडेट देने वाला हूँ वो पोरिंग के रिलेटेड हो गए। तो मैं पहले जो अपडेट के ऊपर बताना चाहता हूँ यहाँ पर पोरिंग के ऊपर, तो वो है यहाँ पर आप लोग ट्रेलर देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को शायद मालूम चल चुका है क्योंकि फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल में ये लॉन्च हो चुका है। तो मैं फिर भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स में बताना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पोरिंग का एक न्यू इवोल्यूशन है, मतलब पहले जो पोरिंग था वो नॉर्मल सा पोरिंग था, एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसका साइड में ही यहाँ पर और एक जो पोरिंग है तो वो यहाँ पर पंख वाला पोरिंग है। तो शायद यहाँ पर पोरिंग का जो इवोल्यूशन होगा, मतलब मैक्स लेवल पर जाने पर यहाँ पर आप लोग को ये पोरिंग देखने के लिए मिल जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पर जो देखने के लिए मिल जाएगा वो है पोरिंग का स्किन। तो पहला स्किन है ग्रीन कलर का है, सेकेंड जो स्किन है वो कुछ आइस टाइप का है कलेटन जैसा। तो आप लोगों को कैसा लगा स्किन मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, एंड यहाँ पर बहुत सारा चीज़ न्यू दिखा रहा है, जो कि स्केटबोर्ड है, एंड यहाँ पर एयर ड्रॉप भी आप लोग न्यू देख सकते हो जो कि पोरिंग वाला एयर ड्रॉप है। तो ये शायद गेम में जल्दी ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा गाइना की तरफ से। तो देखते हैं यहाँ पर बाहर के बहुत सारे सर्वर में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन हमारे सर्वर पर अभी तक नहीं हुआ है, शायद ये आज या फिर कल
हो जाएगा, तो देखते हो वेट करके क्या होता है या फिर क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नेक्स्ट एंड फाइनल जो अपडेट के ऊपर हम लोग बढ़ जाते हैं वो है पोडिंग इवेंट के ऊपर। तो पोडिंग इवेंट ऑलरेडी हमारे सर्वर पे आ गया है एंड हमारे सर्वर पे क्या दे रहा है, पोडिंग वाला जो हैट है फीमेल एंड मेल वाला, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को मिल रहा है, अगर आप लोग 15 पोडिंग बैचेस कंप्लीट कर मतलब कलेक्ट कर सकते हो तो उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा 3 ओपन रॉयल वाउचर। लेकिन बहुत सारे सर्वर पे और भी बहुत कुछ दे रहा है, जैसे कि शायद इंडोनेशियन सर्वर पे दे रहा है ओपन रॉयल वाउचर के जगह यहाँ पर डायमंड रॉयल वाउचर, 3 डायमंड रॉयल वाउचर। एंड उसका भी बाद बहुत सारे सर्वर पे यहाँ पर बहुत कुछ दे रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अपने स्किन के ऊपर कि 20 पोडिंग का टोकन से यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है एक जो ग्रेनेड का स्किन है परफ्यूम वाला वो। एंड उसके बाद 10 पोडिंग का टोकन से यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है हैट मेल वाला। एंड 5 पोडिंग का टोकन से यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है डायमंड रॉयल वाउचर। एंड उसके बाद तो है अनलिमिटेड लूट क्रेट, ठीक है। एंड उसके बाद और एक जो सर्वर है उसमें यहाँ पर मार्क्स दिया जा रहा है जो कि मार्क्स टाइप का एक टोकन है, जो कि ऑलरेडी मैं बता दिया था उसके पहले भी बहुत सारे वीडियो में। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 12 मार्क्स टोकन्स मिलने पे आप लोगों को मिल जा रहा है न्यू मार्क्स। एंड उसके बाद आप लोगों को पैरासूट मिल रहा है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो चीज़ मिल रहा है डायमंड रॉयल वाउचर एंड लूट क्रेट ऐसे सब कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पर और एक जो चीज़ मिल रहा है और एक इवेंट जो यहाँ पर मिल रहा है वो है पोडिंग के रिलेटेड ही, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि एक मतलब चरका जाए इस टाइप का कुछ है, मतलब स्किन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर डायमंड भी मिल सकता है, कस्टम रूम कार्ड भी मिल सकता है, डायमंड रॉयल वाउचर भी मिल सकता है। तो बहुत सारा ऐसा कुछ इवेंट है जो कि पोडिंग के रिलेटेड हो। तो आप लोगों को किस इवेंट बहुत ही अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो मार्क्स वाला इवेंट बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि पोडिंग का हेड से भी वो बहुत ही फनी टाइप का लग रहा है मुझे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही अपडेट देना था आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो छोड़ जाने के पहले लाइक तो ज़रूर कर देना एंड जो मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हो जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो छोड़ने के बाद अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही अपडेट देना था आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।